हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग राम नरेश. सुशील जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. बिल्कुल, मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ. आई होप आप लोग भी सेफ होंगे, घर पर होंगे. दीपेंद्र जी, गुड मॉर्निंग. आदर्श, हर्ष, दुशांत मलिक, देवराज साहू, राहुल कुमार, कमल किशोर वर्मा जी, कपिल, खुशी, अशोक. बिल्कुल, SBI का नोटिफिकेशन आउट हो गया है. आपने सही न्यूज़ सुनी है ना. कल ही शाम को जो है SBI का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया था. दुष्यंत मलिक जी, बिल्कुल मोस्ट वेलकम. अभिषेक, श्रेया, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. मैं पूजा महिंद्रा, आप लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. और आज है 27 अप्रैल, और आज हम जानेंगे कि 27 अप्रैल में क्या करेंट अफेयर्स में खास हुआ. तो आज बेसिकली हमको जो हमारे ऑस्कर अवार्ड्स हुए हैं, आए हैं, 93 नंबर के हमारे ऑस्कर अवार्ड, उनके बारे में जानेंगे और देश विदेश की दूसरी बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे. तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने इम्पॉर्टेंट डेज जो कि अप्रैल के महीने में हुए हैं और उनकी थीम्स के साथ. तो आइए देखते हैं क्या क्या हुआ अप्रैल के महीने में. तो सबसे पहले 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को आपने उत्कल दिवस सेलिब्रेट किया, जिसको उड़ीसा फाउंडेशन डे के नाम से भी जाना जाता है. 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे था, साथ ही साथ वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे को भी सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम क्या रही थी, इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इन द पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड. ठीक. 4 अप्रैल को आपने इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम क्या थी, प्रिजर्वेंस, पार्टनरशिप एंड द प्रोग्रेस. ठीक है. अगली बात हम देखते हैं, 5 अप्रैल को हमने नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड द कोविड-19. साथ ही साथ 5 अप्रैल को आपने सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल डे ऑफ कोइंसाइंस. ये इसका सेकेंड एडिशन था, ये इसका सेकेंड एडिशन लॉन्च किया गया था. 7 अप्रैल को आपने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड हेल्थ डे WHO के द्वारा, क्योंकि WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को. इसके बाद हम बात कर लेते हैं 10 अप्रैल. तो 10 अप्रैल को आपने वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया था. 10 अप्रैल को क्या किया हमने, वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम क्या रही थी, होम्योपैथी रोड मैप फॉर द इंटीग्रेटिव मेडिसिन. देखिएगा, सारे दिन इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, और आप लोग भी एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, आपको भी समझ में आता है कि कौन से दिन याद रखने हैं और कौन से दिन याद नहीं रख रहे हैं. ठीक है. 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट किया था. 2003 से इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कीप मदर्स एंड द न्यू बॉर्न सेफ फ्रॉम द कोरोना वायरस. अच्छा, 12 अप्रैल को क्या हुआ, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेलिब्रेट की गई. 13 अप्रैल को आपका इंटरनेशनल डे फॉर द स्ट्रीट चिल्ड्रन ऑब्जर्व किया गया. अगली बात ही, 14 अप्रैल को भीम जयंती सेलिब्रेट हुई, साथ ही साथ वर्ल्ड चगास डिसीज डे को भी सेलिब्रेट किया गया. 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे आया. 16 अप्रैल को इंडियन रेलवे डे और वर्ल्ड वॉइस डे था, जिसकी थीम थी वन वर्ल्ड एंड मैनी वॉइसेस. 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट किया, और हीमोफीलिया जो है एक जेनेटिक बीमारी है, जिसकी थीम थी एडॉप्टिंग टू द चेंज, सस्टेनिंग केयर इन द न्यू वर्ल्ड. 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया. आप सभी जानते हैं कि भारत के अंतर्गत 38 हेरिटेज साइट है, सबसे ज़्यादा जो हेरिटेज साइट है वो अमेरिका में है. इसकी थीम क्या थी, कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड द डाइवर्स फ्यूचर. 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट किया, और लीवर हमारी बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, और लीवर में ही आपका बाइल जूस के फॉर्मेशन होता है. ठीक. आपको जान के हैरानी होगी कि लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन होता है जो सेल्फ प्रोड्यूसिंग होता है. इट मींस, अगर किसी व्यक्ति का लीवर ख़राब है, अगर आप उसको अपना आधा लीवर डोनेट कर देते हैं, तो उसका काम भी चल जाएगा और आपका काम भी चल जाएगा, क्योंकि लीवर जो होता है वो सेल्फ प्रोड्यूसिंग होता है, वो वापस से खुद को प्रोड्यूस कर लेता है. इसलिए हम अपने लीवर को क्या कहते हैं, मानव शरीर की प्रयोगशाला, लेबोरेटरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो है वो हम लीवर को कहते हैं. ठीक है. आइए अगली बात कर लेते हैं. यहाँ पे 21 अप्रैल को आपने नेशनल सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया था, और 21 तारीख को ही वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड द इनोवेशन डे था. 22 अप्रैल जो था वो अभी इस पूरे अप्रैल महीने का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है. 22 अप्रैल को आपने सेलिब्रेट किया अर्थ डे, जिसकी थीम क्या थी, रिस्टोर आर अर्थ. अच्छा, इसके बाद 23 अप्रैल आया. 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के नाम से भी इसको जाना जाता है. 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया, और जो हमारी पंचायत है वो 3 स्तर की पंचायत है हमारे यहाँ पर. साथ ही साथ बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी का संबंध जो है वो पंचायत से है. पंचायत आपको शेड्यूल नंबर 11 में देखने को मिलेंगी, 73 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अच्छा, 25 अप्रैल को क्या हुआ, तो वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम थी रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट. ठीक. 26 अप्रैल मतलब कल का दिन हमने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट किया था. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी इंडेक्स था WIPO के द्वारा सेलिब्रेशन हुआ, और इसकी जो
रैंकिंग है भारत की, तो 40वीं रैंकिंग है भारत की। इसकी थीम क्या थी? आईपी एंड एसएमई टेकिंग योर आइडियाज़ टू मार्केट। ठीक है, देखिए अभिषेक जी, अगर बफरिंग हो रही है तो आप क्या कीजिए, अगर आपको बफरिंग हो रही है तो आप थोड़ा सा रिवॉल्यूशन कम कर लीजिए तो आपका कार्यक्रम सही हो जाएगा। अच्छा, ये तो इम्पोर्टेंट डेज थे, आइए हम बात करेंगे कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले जो पहली बार चैनल पे जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और एक बार लिंक को फटाफट शेयर कर दो। देखो सर ने आपको एक लिंक भी दी है, उस लिंक के पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बात क्लियर है? बिल्कुल, यूएसए ने टॉप किया है। एक सेकेंड, अभी ठीक है क्या स्क्रीन पे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हमारा कल का क्वेश्चन क्या था? विच वॉज द फर्स्ट आरआरबी टू सेट अप इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया। आपको मैंने सिखाया था कि हमारे आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक जो है, तो आरआरबी एक स्टेचुरी बॉडी है, मतलब आरआरबी एक्ट जो 1976 में पास हुआ था उसके अंतर्गत 1975 में आपकी आरआरबी की स्थापना हुई थी, राइट? मैंने आपको सिखाया था कि हमारा पहला आरआरबी जो है वो प्रथम बैंक था, और प्रथम बैंक जो है वो उत्तर प्रदेश में बना था, मतलब नॉर्थ में बना था। अब जो आरआरबी होते हैं उसमें आपका 15% शेयर जो है स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, 50% शेयर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, और 35% शेयर जो होते हैं वो स्पॉन्सर्ड बैंक के होते हैं। तो प्रथम बैंक जो था उसका स्पॉन्सर्ड बैंक जो था वो सिंडिकेट बैंक था। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर आरआरबी आपको देखने को नहीं मिलते। अब मेरा आपसे प्रश्न था कि नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट होने वाला पहला आरआरबी कौन सा है, तो बिल्कुल सही आंसर था गौर ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। बिल्कुल हितेश यादव जी, आप सही कह रहे हैं। अब देख लेते हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती है जिससे प्रॉपर आपको दिखाई दे। मनदीप मंडल बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, ये हमारा जो गौर ग्रामीण बैंक सेटअप हुआ था वेस्ट बंगाल में, इसका स्पॉन्सर बैंक कौन सा था? यूको बैंक था। कौन सा बैंक है स्पॉन्सर बैंक? यूको बैंक। मतलब यूको बैंक के पर शेयर कितने हो गए? 35% हो गए। रितिका दास बिल्कुल सही आंसर है। आरआरबी की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 से हुई थी। प्रज्ञा सक्सेना, सुजीत पाल, मनीष चौधरी जी, ममित प्रसाद, आर फ्लीट, रितु, पलक, हितेश यादव, अकबर अंसारी, रोशनी, त्रिशन मारक, तितली चतुर्वेदी चक्रवर्ती, सॉरी, दीपाली शर्मा, अनन्या, इसके अलावा दीप्ति सिन्हा। आपका आंसर भी बिल्कुल सही था, वेस्ट बंगाल में ये बैंक स्थित है। दीपेंद्र कुमार, आरोही सह, शालिनी, बिट्टू कुमार और बबीता, ये वो विद्यार्थी जिनका आंसर बिल्कुल सही था। आनंद कुमार, खुशबू, पूजा, मीनाक्षी और चंदन दत्ता, और भी स्टूडेंट है जिनका आंसर सही है। देखिए प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 43 आरआरबी नहीं है मीनाक्षी जी, 56 आरआरबी जो है वो वर्तमान में भारत में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आनंद कुमार आपने भी 54 लिखा है, 54 नहीं 56 आरआरबी जो है वो भारत में वर्तमान में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ विद्यार्थियों के नाम है जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया था। इसी तरीके का एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आपको सेशन के अंत में मिलेगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। और जो आपका क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जिनके नाम जिनका आंसर सही होगा उनके नाम इसी तरीके से शामिल करेंगे। समझ में आया? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आइए अब हम बात करेंगे अपने करंट एमसीक्यू की। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। चलिए, तो देखिए बिल्कुल एसबीआई का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, एक बार आप उसे स्टडी कर लीजिएगा और बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम मत होने दीजिए। अभी पैंडेमिक चला जाएगा और उसके बाद आपके बिल्कुल फटाफट एग्ज़ाम होंगे और जिनको आपको क्वालिफाई करना है। तो पहले हम करंट एमसीक्यू देखेंगे और उसके बाद हम स्टैटिक के एमसीक्यू देखेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए डेली सुबह 6:30 बजे, और अपने हौसले को कम मत होने दीजिए, आपको जॉब हासिल करनी ही है। एक कुछ समय की बात है, पैंडेमिक ये चला जाएगा और वापस से आपके एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो जाएंगे। जो CHSL वाले हैं वो घबराने की बात नहीं है, जो हमारे दिल्ली पुलिस वाले हैं तो वो भी जून तक आपका फिजिकल हो जाएगा। अभी दिल्ली गवर्नमेंट की हालत सही नहीं कि वो फिजिकल कंडक्ट करा सके, और आपके लिए भी कहीं भी जाना सही नहीं है। ठीक है, आइए हम बात करेंगे पहला क्वेश्चन, समझिएगा।
गवर्नमेंट हैड एक्सटेंडेड द डेडलाइन टू मेक पेमेंट अंडर द विश्वास विवाद से विश्वास, व्हाट इज़ अ न्यू डेडलाइन। तो देखिएगा, जो टैक्स पेयर होते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी विवाद होते हैं, जो भी डिस्प्यूट होते हैं, उनको सुलझाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसकी समय सीमा अभी एक्सटेंड कर दी है। आपको बताना है कि नई समय सीमा क्या है, 30 अप्रैल, 30 जून, 31 मई या 31 जुलाई। यहाँ पे राहुल कह रहा है 30 जून है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जून 2021। तो 30 जून तक हमने इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है विवाद से विश्वास, टैक्स पेयर के लिए, टैक्स पेयर के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है, द वरुण 2021 इज द 19th एडिशन ऑफ द बायलेटरल नेवी एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द इंडियन नेवी विद द नेवीज ऑफ द विच कंट्री। इन शॉर्ट, अभी जो 19th एडिशन वरुण एक्सरसाइज का हो रहा है, तो ये वरुण एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है? एक तो भारत हो गया और दूसरा आपको बताना है फ्रांस, रशिया, सिंगापुर या फिर श्रीलंका। चलो आंसर बता दो। चलिए आंसर करेंगे, थग लाइट का आंसर आ रहा है कि फ्रांस और भारत के बीच में वरुण होता है। केशव जी, रश्मि, बिल्कुल सही आंसर है फ्रांस। सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। तो फ्रांस की जो नेवी है और हमारे इंडियन नेवी है, उनके बीच में ये वरुण एक्सरसाइज होती है और ये इसका 19th एडिशन था। अगर हम वरुण एक्सरसाइज के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, तो ये इसका 19th एडिशन है और ये 25 से 27 अप्रैल तक, मतलब आज अंतिम दिन है, तो 25 से 27 अप्रैल तक अरेबियन सी में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। ठीक है, अरेबियन सी में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, जिसकी तरफ से इंडियन नेवल फोर्स शामिल हुई और फ्रांस की भी नेवल शामिल हुई। हमारे तरफ से INS तारकश, INS तलवार, INS दीपक, ये सभी सबमरीन्स, कलवरी, ये सब जो है चेतक हेलीकॉप्टर, ये सब भारत की तरफ से शामिल हुए। राफेल एम फाइटर जो हैं, बेसिकली वो फ्रांस की तरफ से शामिल हुए थे इस एक्सरसाइज में वरुण। ठीक, अगला बात देख लेते हैं हम। PM नरेंद्र मोदी लॉन्चेज अ स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई प्रॉपर्टी कार्ड टू रूरल पॉपुलेशन अक्रॉस द कंट्री ऑन द अप्रैल 24। नेम द स्कीम। तो देखिएगा, जो पंचायती राज दिवस आपने सेलिब्रेट किया था 24 अप्रैल में, और उसी 24 अप्रैल में इस स्कीम को नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई प्रॉपर्टी कार्ड। तो उस स्कीम का नाम क्या है? कौशल, आदर्श ग्राम, समृद्धि या स्वामित्व? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर बताएंगे। बिल्कुल विनीत मिश्रा, राइट। अरब सागर, अरेबियन सी में एक्सरसाइज हुई थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। ज्योतिका दास कह रही है ऑप्शन नंबर टी। चलिए, अभिषेक जी कह रहे हैं स्वामित्व, और बिल्कुल सही आंसर है स्वामित्व। तो स्वामित्व एक्सरसाइज जो है, स्वामित्व जो स्कीम है, वो लॉन्च की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगर थोड़ी सी स्कीम के बारे में हमको जान लेना चाहिए, तो PM नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वामित्व योजना स्टार्ट की गई है पंचायती राज दिवस के दिन पे 24 अप्रैल। तो ये स्कीम जो है वो 24 अप्रैल 2022 से शुरू हुई थी और एक साल इसको कम्प्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत ई कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी या जो समिट हुआ था, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था। इसके अंतर्गत 4.09 लाख प्रॉपर्टीज ओनर वर गिवन देयर ई प्रॉपर्टी कार्ड ड्यूरिंग दिस इवेंट। देखिएगा, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, आपने देखा होगा गाँव वगैरह में ज़मीन को लेकर काफ़ी सारे विवाद होते हैं, तो इन विवादों को सुलटारा करने के लिए, इन विवादों को निपटाने के लिए ये स्वामित्व योजना लॉन्च की गई थी। हालांकि पहले ये स्कीम पायलट बेसिस पे 6 राज्यों में लॉन्च की गई थी। अब इसके अंतर्गत 4.09 लाख जो हमारे प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, उनको ई कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उनके प्रॉपर्टी के विवादों को निपटाया जाएगा स्वामित्व स्कीम के द्वारा। अब स्वामित्व स्कीम का पूरा नाम क्या होता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वामित्व का पूरा नाम क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया। आपको पता है कि मध्य प्रदेश जो है वो सबसे फर्स्ट नंबर पर आया था अपनी ज़मीन को डिजिटलाइज करने में, भूमि का डिजिटलीकरण करने के लिए फर्स्ट नंबर पर कौन आया था? मध्य प्रदेश आया था। अब यहाँ पर स्वामित्व का फुल फॉर्म आपने देखा क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग द इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया। वो ऐसे ही पूछेगा यहाँ पर एम का क्या मीनिंग है, तो एम का मीनिंग मैपिंग है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये जो स्कीम है वो 24 अप्रैल 2020 से शुरू की गई थी, पायलट बेसिस पे शुरू की गई थी 6 राज्यों में। वो 6 राज्य कौन कौन से थे? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश।
तो इन 6 राज्यों में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अच्छा, 6 राज्य में आपकी विधान परिषद भी है, हालांकि अब तो 5 राज्यों में देखने को मिलती है विधान परिषद। तो आपके वो राज्य जहाँ पर विधान परिषद है वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएगा आपका यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में बिल पास किया है कि वो अपनी विधान परिषद को डिसॉल्व करना चाहता है, तो इसका नाम भी याद रख लेंगे। और जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी, 370 के बाद वहाँ पर हटा दी गई। तो विधान परिषद जो है वो केवल 7 राज्यों में थी, वर्तमान में 5 राज्यों में रह गई है। ठीक है, अब इस विलेज के अंतर इस स्कीम के अंतर्गत कम से कम 6.62 लाख गाँव को शामिल किया गया है। आइए अब हम अगला न्यूज़ देख लेते हैं। विच डे ऑफ द ईयर इज कमेंडेटेड एज द वर्ल्ड मलेरिया डे? कौन सा दिन विश्व मलेरिया दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? बिल्कुल फैजल खान जी, पहले 7 थे, फिर जम्मू हटा, फिर जम्मू हटने के बाद क्या हुआ, आपका बिल पास कर दिया आंध्र प्रदेश ने, तो अब 5 राज्य रह गए हैं। ठीक है, चलो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी सौरभ जी? तो पीडीएफ देखो, सर ने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक सेंड की है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो विश्व मलेरिया दिवस, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को मलेरिया फ्री वो घोषित सॉरी पोलियो फ्री घोषित किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल। वेरी गुड, 25 अप्रैल बिल्कुल सही आंसर है। अगला, किस राज्य में अभी भीषण जंगल में आग लगी? आपने देखा था कुछ समय पहले उड़ीसा के सिमलीपाल में जो है वो बहुत भयंकर आग लगी थी। अभी फिर से फॉरेस्ट रेन का जो मामला है वो सामने आया है। तो किस राज्य के जंगल में अभी आग लगी है? मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा? चलो आंसर कर देंगे इसका। बिल्कुल अभिषेक जी, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीनेशन जो है मलेरिया के लिए 75% इफ़िशियंट है, WHO ने ऐसा कहा है। बिल्कुल सही बात है, एक बार लिंक को शेयर भी करते जाएंगे और लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। 1 सेकेंड ही लगता है, क्लिक कर दीजिएगा। तो बिल्कुल किस राज्य में भीषण आग लगी है? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम। वेरी गुड, मिजोरम, हितेश जी, मिजोरम। मिजो ट्राइब जो है वो मिजोरम में रहती है, मीजो ट्राइब जो है वो मिजोरम में रहती है, और यहाँ पर झूम खेती की जाती है, यहाँ पर झूम खेती की जाती है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन ऑफ द कलर टू विन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट डायरेक्टर? कौन सी डायरेक्टर को या फिर कौन सी महिला पहली डायरेक्टर बनी है जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, थॉमस विंटनबर्ग, ली आइजेक चंग, चोले जाओ या फिर एमरेड फेनल। तो आंसर बताना है, ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला डायरेक्टर कौन बन गई हैं? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अभी आपको पता है कि लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में 93 नंबर के ऑस्कर अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 93rd नंबर के ऑस्कर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं आपके लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में। आपको बताना है पहली महिला डायरेक्टर। तो बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, नॉमैडलैंड। नॉमैडलैंड जो मूवी है, बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है, उसी की डायरेक्टर है ये, और पहली महिला बनी है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अगली बात कर लेते हैं, विच फिल्म हैज़ वॉन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट पिक्चर एट द 93 एकेडमिक अवार्ड? तो 93 नंबर के एकेडमिक अवार्ड में किस फिल्म को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है? तो मैंने ही आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि नोमैडलैंड जो है उसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है, तो ये तो आपको पता चल ही गया, नोमैडलैंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखेंगे हम। विच इंडियन पर्सनैलिटी वर रिमेंबर्ड इन द 93 ऑस्कर अवार्ड? तो कौन सी ऐसी दो इंडियन पर्सनैलिटी हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड में याद किया गया? ऋषि कपूर एंड इरफान खान, इरफान खान एंड भानु अथैया, सुशांत सिंह राजपूत एंड इरफान खान, ऋषि कपूर एंड द सुशांत सिंह राजपूत। चलो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। बिल्कुल राव साहब जी, कमल किशोर, बिल्कुल हाँ, इस प्रश्न का आंसर करेंगे कौन से, बिल्कुल सैयद ताहिर सर कह रहे हैं, बिल्कुल लिंक को एक बार शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे सेशन को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इरफान खान, इरफान खान और साथ ही साथ भानु अथैया। भानु अथैया आप सभी जानते हैं ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो इरफान खान और भानु अथैया का भी हाल ही में निधन भी हो गया था, आपको पता है। इन दोनों को 93 ऑस्कर अवार्ड में याद किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अरे बी डी सी क्या बता रहे हो, बी आंसर सही है, इरफान खान और भानु अथैया।
इरफान खान और भानु अथैया, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, वो तो एक एक्टर थे जिन्होंने अभी काम करना शुरू ही किया था। एक्चुअल कॉन्ट्रोवर्शन अगर आप देखेंगे तो भानु अथैया का है, इरफान खान का है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हु वॉन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल। लीडिंग रोल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? चलो आंसर करेंगे। बिल्कुल, भानु अथैया पहली भारतीय महिला थी जिनको ऑस्कर मिला गया था, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल राहुल कुमार जी, सबने ए बी सी डी चारों आंसर दे दिए एकदम। चलो तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी था, इरफान खान और भानु अथैया। अच्छा, बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल में किसे अवार्ड दिया गया है? चलिए, अरे रश्मि जी, चलो इस प्रश्न का आंसर कर दो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, एंटोनी हॉपकिंस। इनको जो है वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है 93 नंबर के एकेडमिक ऑस्कर अवार्ड में। तो एक बार अपन देख लेते हैं सारे ऑस्कर अवार्ड, है ना, जिससे आपका ये मामला ठीक हो जाएगा। तो देखिएगा, 25 अप्रैल को ऑस्कर अवार्ड लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में अनाउंस किए गए। ये 93 नंबर के हमारे ऑस्कर अवार्ड थे। इस ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में नोमैडलैंड को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर बेस्ट एक्टर की बात करें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो आपने देखा कि एंटोनी हॉपकिंस को मिला, किस मूवी के लिए? द फादर। अगर हम बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो फ्रांसिस एम डॉर्मेंट को ये अवार्ड दिया गया है, और किस मूवी के लिए? नोमैडलैंड मूवी के लिए अवार्ड दिया गया है। अगर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की बात करें तो फाइट फॉर यू सॉन्ग जूडास एंड द ब्लैक मैसीज के लिए ये दिया गया है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करें तो मंक को दिया गया है। अच्छा, नेटफ्लिक्स हैज़ द मोस्ट नॉमिनेशन, नेटफ्लिक्स का नॉमिनेशन सबसे ज़्यादा था। हालांकि सबसे ज़्यादा अवार्ड उसको नहीं दिए गए, लेकिन नॉमिनेशन जो सबसे ज़्यादा था वो नेटफ्लिक्स का था। इसके अलावा अभी तक हमारे ऑस्कर की हिस्ट्री में केवल दो महिलाएँ डायरेक्टर के रूप में चुनी गई हैं या नॉमिनेट की गई हैं। तो वो दो महिलाएँ कौन कौन सी थी? एक तो चालो जाओ थे नोमैडलैंड के लिए, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ इमरिड फैनल Promising Your Woman, इसके लिए इनको नॉमिनेशन दिया गया था। तो नॉमिनेशन अभी तक, आज तक दो ही महिलाओं का ऑस्कर अवार्ड के लिए हुआ है एज अ डायरेक्टर। यू जुंग योन, ये पहली कोरियन है, ये पहली कोरियन महिला है जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया। पहली कोरियन महिला जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया वो कौन है? ऊ जिंग योन है। किस मूवी के लिए दिया गया? तो इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए दिया गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए प्राइज इनको दिया गया है, मिनारी मूवी के लिए, मिनारी के लिए, ठीक है। तो इनका नाम याद रख लेंगे। अच्छा, ये अपने आप में एक हिस्ट्री है, ये पहली ब्लैक महिला है या पहली ब्लैक ऐसी टीम है जिसको हेयर आर्टिस्ट और डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए अवार्ड दिया गया है। तो मिया नील एंड जमिका बिल्सन, मिया नील एंड द जमिका बिल्सन मेक हिस्ट्री एट द 93 एकेडमिक अवार्ड। इन लोगों को बेस्ट हेयर स्टाइल के लिए, बेस्ट मेकअप के लिए, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन वगैरह के लिए अवार्ड दिया गया है। और ये अपने आप में पहला पेयर है जिनको, ब्लैक वुमेन है जिनको ये अवार्ड रिसीव किया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है रेजिना किंग। रेजिना किंग ओपन्स द 93 एनुअल एकेडमिक अवार्ड। तो रेजिना किंग ने 93 एनुअल एकेडमिक अवार्ड की ओपनिंग की थी। किस मूवी का लिए इनको नॉमिनेशन मिला था? वन नाइट इन द मियामी, वन नाइट इन द इन मियामी, इस मूवी के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं, हाउ मैनी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट विल बी सेट अप यूजिंग पीएम केयर फंड्स। तो पीएम केयर फंड के द्वारा भारत के अंतर्गत कितने ऑक्सीजन प्लांट्स को लगाया जाएगा? ये न्यूज़ आप लोगों ने देखी भी होगी, न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी चल रही थी, 551, 250, 331 या 567। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। चलो क्लास पर ध्यान दे लो थोड़ा सा, और लिंक को शेयर कर दो, लिंक को शेयर कर दो, है ना। पढ़ते रहिए, दिन में थोड़ा सा पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए। ये मत सोचिए कि कोविड आ गया है, अब पेपर कब होंगे, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। जब पेपर को होना होगा हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हुई तो फिर वापस से रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे, डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 551, वेरी गुड। सत्यम मिश्रा जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो 551 इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। अभिषेक, रिंकी, 551 जो है ऑक्सीजन प्लांट भारत में सेटअप किए जाएंगे यूजिंग पीएम केयर फंड्स। अगला है, हाउ मच ग्रांट इन द प्रोवाइडेड बाय द गूगल टू ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग पीपल फाइट द कोविड 19 पेंडेमिक इन इंडिया। तो गूगल ने भारत को कितनी मदद राशि दी है?
करोड़ रुपए, 108 करोड़ रुपए, 135 करोड़ या 235 करोड़। चलो, कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए गूगल के द्वारा भारत को कितनी हेल्प दी गई है? अरे प्रीतम प्रजापति जी, गुस्सा नहीं करते हैं। एक बार लिंक को शेयर कर देंगे, प्रीतम जी नाराज़ हो रहे हैं। 135 करोड़ इज़ द राइट आंसर। चलो, अब कुछ और न्यूज़, हमने कुछ बातें तो कवर कर ली है, यहाँ पे कुछ और न्यूज़ हम देख लेते हैं। तो सुनिएगा हमारी पहली न्यूज़। इंडिया बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द नेपाल्स पाल्पा। तो नेपाल की पाल्पा डिस्ट्रिक्ट में भारत के द्वारा 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सेटअप किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है। अच्छा, ये जो 3 हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप किए जाएंगे नेपाल में, जिसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आएगा 6.17 करोड़ रुपीज़। अभी 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप करने का उद्देश्य है कि जो नेपाल के पाल्पा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एजुकेशन लेवल को प्रमोट करना, क्योंकि सभी लोगों को राइट टू एजुकेशन है, सभी लोगों को राइट टू एजुकेशन है यूजिंग आर्टिकल नंबर 21A। उसी के तहत जो है वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए नेपाल के पाल्पा डिस्ट्रिक्ट में भारत के द्वारा 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप किए जाएंगे। अच्छा, इनके नाम क्या क्या हैं? तो इनके नाम देख लेते हैं। श्री रंभा हायर सेकेंडरी स्कूल, श्री लक्ष्मी हायर सेकेंडरी स्कूल और श्री नवा आदर्श मल्टीपल कैंपस इन द पाल्पा डिस्ट्रिक्ट। तो 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप किए जाएंगे भारत के द्वारा। अच्छा, इनको सेटअप करने का इनॉग्रेट कौन करेगा? करुण बंसल। करुण बंसल जो कि फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द एम्बेसी ऑफ इंडिया काठमांडू रहे हैं, तो इनके द्वारा इन तीनों स्कूलों को इनॉग्रेट किया जाएगा। ठीक है, नेपाल के प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो विद्या देवी भंडारी हैं, आप सभी लोग जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली है, कैपिटल काठमांडू है, करेंसी जो है वो नेपाली रुपीज़ है। तो इतनी बारें आपको नेपाल के बारे में याद रखनी है। नेपाल और भारत के बीच में अभी काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जैसे कि काला पानी, लिम्पूधीरा, लिपू लेक, इन सब को लेके भारत और नेपाल के बीच में थोड़ा सा विवाद है। अच्छा, भारत और नेपाल के बीच में जो नदी बाउंड्री बनाती है उस नदी का नाम है काली रिवर। तो काली रिवर जो है वो नेपाल और भारत के बीच में बाउंड्री बनाने का काम करती है, तो आप इस नदी का नाम भी याद रख लेंगे, काली नदी। ठीक, अगली बात कर लेते हैं। ह्यूस्टन, ह्यूस्टन शहर याद आया? हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था ह्यूस्टन में। तो ह्यूस्टन USA टू होस्ट 2021 मतलब 2021 वर्ल्ड टेबल टेनिस चैम्पियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैम्पियनशिप का जो 2021 का एडिशन होने वाला है वो ह्यूस्टन USA में होने वाला है, और ये पहली बार होगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा ये बात कन्फर्म की गई है कि वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 ह्यूस्टन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होगी। ये कब से कब होगा? तो नवंबर 23 से लेकर नवंबर 29 तक ये चैंपियनशिप खेली जाएगी। ठीक है, ये बात अभी कही गई है। इसके पहले 2020 में जो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है वो बुशान साउथ कोरिया में होनी थी, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के कारण उसको कैंसिल कर दिया गया था। और अब ये 2021 में हो रही है, जो ह्यूस्टन USA में हो रही है। तो पूछा जा सकता है कि जो पिछले साल की हमारी चैंपियनशिप कैंसिल कर दी गई वो कहाँ पर होनी थी? तो साउथ कोरिया में होनी थी। क्यों कैंसिल कर दी गई? ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। और इस साल जो हमारी इंटरनेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप होनी है, पहली बार ह्यूस्टन USA में होनी है, तो इसको आपको याद रखना है। गुड मॉर्निंग विजय कुमार जी। अगर हम इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन के बारे में बात करें तो ITTF मतलब इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है, और स्विट्ज़रलैंड जो है वो आल्प्स रेंजेस में मिलता है। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल बर्न है, और स्विट्ज़रलैंड जो है वो खेलों का मैदान कहा जाता है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बाइकार्ट है, CEO स्टीव डेंटन है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, और टोटल मेंबर कंट्री कितनी है? 226 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इतनी बातें याद रखनी है। चलो अगली बात देखेंगे, अगली न्यूज़ देखेंगे। अगला है न्यू बुक द लिविंग माउंटेन बाय द ज्ञानपीठ अवॉर्डी अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष के द्वारा एक नई पुस्तक का अनावरण किया गया है, एक नई पुस्तक लॉन्च की गई है, और उस पुस्तक का नाम क्या है? द लिविंग माउंटेन। तो द लिविंग माउंटेन पुस्तक जो है वो अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है, जिसको हार्पल कॉलिंस इंडिया के द्वारा क्या किया गया है? पब्लिश किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें अमिताभ घोष की, तो अमिताभ घोष जो है एक बहुत बड़े राइटर हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इनकी कई और पुस्तकें हैं, जैसे कि द ग्लास प्लेस, द हंगर टाइड, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर,
ये कुछ इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स हैं जो कि अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई हैं, तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। हाँ नमिता जी, इसलिए मैंने अपने आप को हाइड कर लिया है। अच्छा, राजन मिश्रा जी के बारे में मैं बात कर रही थी कल, मैंने कहा था कि मैं न्यूज़ देख रही थी, राजन मिश्रा जी का नाम आया। तो राजन मिश्रा जी एक शास्त्रीय गायक थे जो कि बनारस घराने से संबंधित थे, और उनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था, तो उनका भी निधन हो गया है, इस बात को याद रखेंगे। अगली बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ और ट्रिब्यूट्स हैं। देखा होगा आपने इनको मूवीज़ में, तेलुगु डायरेक्टर साई बालाजी, तेलुगु डायरेक्टर हैं साई बालाजी, इनका भी COVID-19 कॉम्प्लिकेशन के साथ कारण क्या हो गया है, निधन हो गया है। साथ ही साथ हमारे प्रसिद्ध बॉलीवुड एडिटर वामन भोसले, फिल्म मेकर थे एक, और इनका भी निधन हो गया है। इन्होंने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मूवीज़ में एडिटिंग, फिल्म एडिटिंग करने का काम किया, जैसे कि इंकार, मेरा गांव मेरा देश, दोस्ताना, दो रास्ते, अग्निपथ, कर्ज, है ना, परिचय, साहेब, राम लखन, ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज़ में इन्होंने एडिटिंग करने का काम किया है वामन भोसले, तो इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, तो इन दोनों लोगों के नाम याद रखेंगे आप, साई बालाजी जो कि तेलुगु के एक डायरेक्टर हैं, और वामन भोसले ये एक बॉलीवुड एडिटर हैं, फिल्म मेकर हैं, तो इन दो लोगों का नाम याद रखिएगा। निशा जी, चांदी मैम की तबीयत ज़रा अभी ठीक नहीं है, जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो आप लोगों को वापस से ज्वाइन कर लेंगे, तब तक मेरे साथ जुड़ लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है कि नहीं। चलो चलिएगा, क्लास में ध्यान देंगे, है ना, फालतू बातें नहीं करेंगे। अपन का टारगेट क्या है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, फालतू बातों पे ध्यान देना अपना उद्देश्य नहीं है, है ना। डेली डेली पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए और पढ़ते रहिए। चलिएगा अगली न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया अमंग सिक्स टीम टू क्वालिफाई फॉर द वुमेन्स T20 एट 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। देखिएगा 2022 में कॉमनवेल्थ गेम होने हैं, तो इन कॉमनवेल्थ गेम के लिए भारत की जो इंडिया की जो टीम है, वीमेंस टीम T20, उसने क्वालिफाई किया है। 6 और टीम ने क्वालिफाई किया है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और कंट्री फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़। तो ये 6 टीम जो है वो T20 कॉम्पिटिशन में क्वालिफाई हुई हैं 2022 के कॉमनवेल्थ गेम के लिए। अच्छा, ये कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर होने हैं, तो देखिएगा बर्मिंघम में 2022 के कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किए जाने हैं। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है, बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम हुआ है कि देखो जो हमारे मेंस की ODI है वो तो कॉमनवेल्थ में जा चुकी है, लेकिन महिलाओं की जो T20 टीम है वो पहली बार जो है वो आपके कॉमनवेल्थ गेम में जा रही है खेलने के लिए। ऐसा स्टेटमेंट किसका आया था, हरमनप्रीत कौर, जो कि यहाँ पर T20 के लिए महिलाओं की कैप्टन है, हरमनप्रीत कौर। अच्छा, ये सारे मैच कहाँ पर होने वाले हैं, तो बर्मिंघम 2022 में कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं। अच्छा, टोटल कोई मुझे बताएगा टोटल कॉमनवेल्थ कंट्री कितनी है, जल्दी से कमेंट करके बताओ टोटल कॉमनवेल्थ कंपनी कितनी है, आंसर करेंगे फटाफट। अभिषेक, नम्रता, विनीत मिश्रा जी, आंसर करिएगा टोटल कॉमनवेल्थ कंट्री कितनी है। रश्मि जी, रोहित शर्मा जी, बिल्कुल आप लोग, रश्मि इन सब बातों पे ध्यान मत दो, चलो क्लास पे ध्यान दो। चलिए, तो 76 नहीं है, 51 भी नहीं है, अरे टोटल कॉमनवेल्थ कंट्री कितनी है, आंसर करो। चलो तब तक हम देख लेते हैं, एक्स मारुति सुजुकी MD जगदीश खट्टर डाइज ऑफ द कार्डिक अरेस्ट। तो मारुति सुजुकी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, फार्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द मारुति सुजुकी जगदीश खट्टर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये मारुति उद्योग से जुड़े हुए थे 1999 से ये मारुति उद्योग के साथ जुड़े हुए थे। साथ ही साथ 1919 में फर्स्ट एज अ नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड देन बाय द सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन इन 2002। तो गवर्नमेंट के द्वारा मारुति उद्योग के लिए इनको 1999 में नॉमिनेट किया गया था, और 2002 में इनको मारुति सुजुकी के साथ जोड़ा गया था, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए अगली बात हम कर लेते हैं यहाँ पर, कि ये इन्होंने महिंद्रा फर्स्ट चॉइस को भी लॉन्च किया था 2018 में। अगली बात है फॉर्मर मिनिस्टर संजय देवताले, इनका भी निधन हो गया है COVID-19 के कारण। अच्छा, एक कांग्रेस के MLA थे 2014 से, चंद्रापुर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो ये MLA थे संजय देवताले, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। साथ ही साथ ये स्टेट एनवायरमेंट एंड कल्चर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, स्टेट एनवायरमेंट एंड कल्चर मिनिस्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया है, तो इसलिए इनका नाम याद रखेंगे संजय देवताले।
54 कंट्री है बेटा, 54 कंट्रीज़ हैं हमारे कॉमनवेल्थ में, 54 कंट्रीज हैं, 54 कंट्री हैं कॉमनवेल्थ में, ठीक है। चलो अगली बात कर लेते हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग एडिटर वामन भोसले डाइट, ये मैंने आपको बता दिया है। इनको इंकार मूवी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया था, और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट मूवीज़ हैं जो अपन ने डिस्कस कर ली हैं, इसलिए इस न्यूज़ को हम स्किप करते हैं। आइए अगली बात कर लेते हैं। ये देखो बहुत ही बेस्ट हस्बैंड वाइफ की एक जोड़ी है, जिसका नाम क्या है, दीपिका कुमारी और अतानु दास। लास्ट ईयर इन दोनों ने शादी की थी, दीपिका कुमारी और अतानु दास। ये दोनों क्या करते हैं, आर्चरी से रिलेटेड है, तीरंदाजी से संबंधित हैं। तो आर्चरीज की ये जोड़ी है जिसका नाम है दीपक कुमारी और अतानु दास। इन्होंने भारत के लिए तीन गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो टोटल भारत के लिए आर्चरी वर्ल्ड कप में 4 मेडल जीतने वाली जोड़ी बन गई है दीपिका कुमारी और अतानु दास की। 3 गोल्ड मेडल जीते गए हैं और एक जो है वो ब्रॉन्ज मेडल इनके जोड़ी के द्वारा जीता गया है। और इतना आर्चरीज के सेक्टर में जीतने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो गए हैं हमारे अगले आर्चरीज वर्ल्ड कप फाइनल के लिए। तो ये आर्चरीज वर्ल्ड कप में फाइनल में जा चुके हैं। तो इनका नाम याद रखना है, दीपिका कुमारी और अतानु दास। अच्छा, जो इंडिया आर्चरीज रिकर्व टीम थी, मतलब आर्चरीज वर्ल्ड कप 2021 जो कि गुटेनमाला में आयोजित किया गया, गुटेनमाला सिटी में, इसके लिए जो मैन और फीमेल मतलब फीमेल और मेल की जो टीम गई थी, या फिर मेल और फीमेल जो आर्चरीज के लिए तीरंदाजी के लिए चुने गए थे, उन लोगों का नाम देख लेते हैं हम। मैन अतानु दास, तरुणदीप राय, प्रवीण जाधव और धीरज, ये वो 4 लोग हैं जो कि यहाँ पे क्वालिफाई करके गए थे गुटेनमाला सिटी में हमारे आर्चरीज वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है। अगर महिलाओं की तरफ से देखें तो दीपिका कुमारी गई थी, अंकिता भाकड़ गई थी, कोमालिका बारी और मधु, मतलब ये जो सारे व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी तीरंदाजी से मतलब आर्चरी से रिलेटेड हैं। पूछा जा सकता है, हो सकता है वो पूछ ले, तरुणदीप राय का संबंध किस खेल से है, तो आंसर आ जाएगा आर्चरीज मतलब तीरंदाजी से है। और अतानु दास और दीपिका कुमारी का नाम एकदम रट लेना है, ठीक है। चलिएगा अगली बात हम कर लेते हैं। यहाँ पर ISSF वर्ल्ड कप 2021 शूटिंग वर्ल्ड कप इन द बाकू कैंसल्ड। तो देखिएगा, जो हमारा ISSF हमारा जो इंटरनेशनल शूटिंग वर्ल्ड कप होना था बाकू में, COVID-19 पैंडेमिक के कारण जो है वो कैंसिल हो गया है। बाकू जो है वो बेसिकली अजरबैजान की कैपिटल है। बाकू क्या है, अजरबैजान की कैपिटल है। यहाँ पर जून 21 से जुलाई 2 तक, जून 21 से लेकर जुलाई 2 2021 तक जो है वो हमारा शूटिंग वर्ल्ड कप आयोजित किया जाना था, लेकिन ड्यू टू पैंडेमिक इसको हमने कैंसिल कर दिया है। तो याद रखिएगा, बाकू में हमारा ISSF वर्ल्ड कप होना था शूटिंग, ये कैंसिल कर दिया गया है। आइए हम बात कर लेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन की। ये आपके बैंकिंग और एसएससी के लिए स्टैटिक प्रश्न है, जिनके नाम आपको याद रखने हैं जी। बिल्कुल अभिषेक जी, ISSF मुंचिक जर्मनी में इसका हेड ऑफिस है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एडॉप्ट द 3-tier पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। कौन सा ऐसा पहला राज्य था जिसने 3 स्तर की पंचायती अपने राज्य में लगाई, केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और राजस्थान के नागौर में पहली पंचायत लगाई गई थी। तो राजस्थान का नागौर जो है वो पहली पंचायत वाला बन गया था। अब आपको बताना है, 3 लेवल की पंचायत जो दी थी वो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन से थी, और 2 लेवल की जो पंचायत थी वो अशोक मेहता की कमेटी की रिकमेंडेशन से आई थी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान पहला राज्य है जिसने 3 स्तर की पंचायती को शुरू किया गया। वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। रश्मि, मनीष, देवराज साहू, वेरी गुड, तृप्ति शुक्ला, रोहित। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नागौर राजस्थान इज द राइट आंसर। अगला है, नोंग क्रेम डांस इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये नोंग क्रेम जो डांस है ये किस राज्य का डांस है, आसाम, मिजोरम, केरला या फिर मेघालय, आपको आंसर करना है। अब देखिएगा, कई सारे डांस होते हैं और मैंने कई सारी बातें आपको कही हैं, जैसे कि यक्षगान जो है वो कर्नाटका से रिलेटेड है, आप याद रख लेंगे यक्षगान कर्नाटका से रिलेटेड है। कथकली केरला में होता है, कथक जो है नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश में जनरली होता है, भरतनाट्यम जो है वो आपका तमिलनाडु में होगा, ठीक है, बिहू आपका असम में होगा, ऐसे कुछ कुछ आपको डांस फॉर्म याद रखने हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम, सॉरी मेघालय। मेघालय में आपको गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया ट्राइब भी आपको मेघालय में मिलेंगी। जो मासिमराम या चेरापूंजी है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान है, वो भी आपको मेघालय में मिलेगा। तो मेघालय इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिना सिंधु या सिद्धू इज एसोशिएटेड विच स्पोर्ट।
हिना सिद्धू का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, वेट लिफ्टिंग, शूटिंग या फिर बैडमिंटन? कौन सा खेल ये खेलती हैं? आंसर कर दो और लिंक को एक बार शेयर भी कर दो, ये भी स्टैटिक प्रश्न चल रहे हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। आंसर बताएंगे, हिना सिद्धू का संबंध किस खेल से है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये है शूटिंग से। शूटिंग से तो हिना सिद्धू का संबंध किस से है? शूटिंग से है। किस चीज़ की कमेटी? बलवंत राय मेहता कमेटी, राजकुमार जी और अशोक मेहता कमेटी, इन दोनों का संबंध जो था वो पंचायत से था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेड ऑफिस कहाँ पर है? बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट प्रश्न। केन्या नैरोबी, ऑस्ट्रिया वियना, इटली रोम, USA न्यूयॉर्क। UNEP। अच्छा, UNEP का बताओगे तो UNDP का भी बता देना, एक ही से है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दोनों के हेड ऑफिस बता दीजिए। केन्या नैरोबी, वेरी गुड राहुल कुमार जी। केन्या, केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी है, और वहाँ पर आपको UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेड ऑफिस देखने को मिलेगा। अच्छा, UNDP का कहाँ है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, बिल्कुल, UNDP का न्यूयॉर्क सिटी USA में है, और UNDP कहाँ है? फोर्थ वाला। ठीक है, तो UNEP और UNDP याद रख लेना। अगला देख लेते हैं, इन विच स्टेट इज द कीतम वर्ल्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड? कीतम पक्षी अभ्यारण किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम या हरियाणा? चलो आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया आपका, सिक्किम। अच्छा, सिक्किम जो है आपका 22वें नंबर का भारत का राज्य बना था, तो 22nd नंबर का बनने वाला स्टेट जो था भारत का वो सिक्किम था। ठीक है, सिक्किम जो है वो डोकलाम विवाद के लिए भी जाना जाता है, तो डोकलाम जो विवाद है वो सिक्किम से रिलेटेड है। साथ ही साथ तीस्ता नदी डिस्प्यूट, तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम से निकलती है, तीस्ता नदी विवाद भी जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तो सिक्किम को आपको इतनी चीज़ों के लिए जानना है। सिक्किम में एक ट्राइब भी पाई जाती है जिससे क्वेश्चन आते हैं, लेपचा, तो लेपचा ट्राइब भी जो है वो सिक्किम में पाई जाती है। चलो नेक्स्ट है हमारा रोवर कप, बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। रोवर कप का संबंध किस गेम से है? फुटबॉल, टेनिस, पोलो या फिर गोल्फ? बहुत आसान है, आंसर करो इसका। आप लोग ने स्पोर्ट्स से रिलेटेड, देखिए चाहे किसी भी सेक्टर का एग्ज़ाम आप उठा लीजिए, स्पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आना तय है। आप रेलवे दें, आप SSC दें, आप बैंकिंग दें, इनफैक्ट आप PSC और UPSC का लेवल का एग्ज़ाम भी देंगे तो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करेंट अफेयर्स या स्टैटिक पॉइंट्स आते हैं। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी बातें याद से पढ़ लीजिएगा। अब बताइए रोवर कप का संबंध किससे है? तो बिल्कुल फुटबॉल कह रहे हैं, सही आंसर है फुटबॉल। अच्छा, रोवर से एक और कप याद रख लो, राइडर। तो राइडर कप जो है वो गोल्फ के लिए दिया जाता है, राइडर कप जो है वो गोल्फ के लिए है, और रोवर कप जो है वो फुटबॉल के लिए है। ठीक है, तो राइडर और रोवर, तो रोवर फुटबॉल के लिए, राइडर गोल्फ के लिए। अगला प्रश्न है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया इज द लैंगपुई एयरपोर्ट लोकेटेड? लैंगपुई हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? लद्दाख, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार एंड नागालैंड? बिल्कुल बिल्कुल, राइडर कप राहुल जी गोल्फ के लिए है। ठीक है, जयप्रकाश जी बिल्कुल सही। हाँ, इस प्रश्न का आंसर देंगे, लैंगपुई एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपके मिजोरम में। तो मिजोरम में लैंगपुई हवाई अड्डा है, और मिजोरम में आग भी लगी है, तो आपको याद रख लेना है लैंगपुई हवाई अड्डा मिजोरम में स्थित है। अगला है, द शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब? लद्दाख में नहीं है बेटा, मिजोरम में है, मिजोरम इज़ द राइट आंसर, लद्दाख नहीं। अच्छा, नाम से अंडमान निकोबार में तो वीर सावरकर है, अंडमान निकोबार में वीर सावरकर हवाई अड्डा है। अमित कुमार जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में है? उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ या पंजाब? अब गुजरात में जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसमें IPL का फाइनल खेला जाएगा। अब आंसर आप कीजिए इसके आगे का, तो बिल्कुल, अरे गुजरात आंसर नहीं है, सही आंसर है छत्तीसगढ़, CG। तो
शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो छत्तीसगढ़ मतलब सीजी में है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जिनका आंसर सही होगा उनके नाम हम अपने प्रेजेंटेशन में शामिल करेंगे। सुनिएगा क्वेश्चन, विजय अमृत राज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? विजय अमृत राज का संबंध किस खेल से है, कबड्डी, क्रिकेट, गोल्फ या फिर टेनिस? जो भी आंसर है आप बताइएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। पीडीएफ के लिए कोई भी परेशान मत होना, पीडीएफ के लिए सर ने लिंक शेयर किया है, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, अभी नहीं तुरंत मत कर लेना, थोड़ा समय दीजिए, मैं सर को भेजती हूँ, फिर सर अपलोड करेंगे, तो इट विल टेक सम टाइम। तो थोड़ी देर बाद आपको फिर पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका जो भी आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देना, एक बार लिंक को शेयर भी कर देना, जो भी करेंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं जाते जाते लाइक करके जाइएगा, और जो पहली बार आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू सो मच, हम कल सुबह 6:30 बजे वापस मिलेंगे नए करेंट अफेयर्स के साथ। अच्छा, एक और न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर RRB NTPC CBT 2 एग्ज़ाम, ग्रुप डी एग्ज़ाम या फिर SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और जनरल साइंस पढ़ना चाहता है, तो MCQ की सीरीज़ चल रही है मेरी शाम को 4 बजे, तो आप उस MCQ की सीरीज़ में जुड़ सकते हैं। आज हम पार्ट नंबर 15 डिस्कस करेंगे, अभी तक रिमेनिंग 14 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए।